नेक्स्ट कार पे। तो गाइस ये भी यहाँ पे सेकंड हैंड कार्स पे डील करते हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा इनके पास कलेक्शन है, तो एक एक करके आपको कार दिखाएंगे, डील शेयर करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कलेक्शन काफ़ी अच्छा यहाँ पे खड़ा हुआ है और काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, छोटी से छोटी गाड़ी भी और बड़े से बड़ी कार भी। तो अंदर चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के बारे में, डिटेल पता करते हैं आपको किस रेंज में यहाँ पे गाड़ियाँ मिलने वाली है। तो गाइज़ ये है हमारी टाटा सफारी, सबकी फेवरेट, ब्लैक कलर में ये रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो गाज़ियाबाद रजिस्ट्रेशन इसका रहने वाला है। गाड़ी की लुक आप देख ही सकते हैं, इसका साइड प्रोफाइल एक बार मैं चेकआउट आपको करा देता हूँ। साइड प्रोफाइल कुछ इसका इस तरीके से है, गाड़ी का आप देख ही सकते हैं, और टायर की कंडीशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एक बार हम बैक से इसका लुक चेकआउट कर लेते हैं और गाड़ी की डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से गाड़ी का हमारा ये लुक है, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी की डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा गाड़ी का ये लुक है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। गाड़ी की डिटेल के बारे में बात करूं तो गाड़ी जो है हमारी 2015 मॉडल है, 67,000 ये चल चुकी है। गाड़ी की जो डिमांड है वो 5.5 लाख रुपए है। प्राइस जो है वो नेगोशिएबल रहने वाला, अगर आपको भी ये कार पसंद आती है तो यहाँ पे आके अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो क्या अगली गाड़ी जो है वो हमारी इनोवा रहने वाली है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, और गाड़ी में ये अलॉय व्हील भी दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो ये गाज़ियाबाद रजिस्ट्रेशन इसका रहने वाला है। गाड़ी का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखता है और ये है हमारे बैक से गाड़ी की लुक। एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी अंदर से दिखती है। गाड़ी की डिटेल के बारे में बात करूं तो ये हमारा 2012 मॉडल रहने वाला है और गाड़ी जो है वो फर्स्ट पार्टी है। 1.25 लाख गाड़ी जो है वो कंप्लीट कर चुकी है, जो कि विद रिकॉर्ड हमारा ये रहने वाला है। और गाड़ी की जो डिमांड है वो 5.5 लाख रुपए है। यहाँ पे आके आप अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं, अगर आपको भी ये कार पसंद आती है, प्राइस जो है वो नेगोशिएबल रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस अगली गाड़ी जो है वो हमारी रहने वाली है फोर्ड इको स्पोर्ट्स। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो गाज़ियाबाद रजिस्ट्रेशन ये रहने वाला है और गाड़ी का कंडीशन आप देख ही सकते हैं, ये है साइड प्रोफाइल की लुक। टायर भी आप देखिए अलॉय व्हील इसमें कंपनी फिटेड दे रखे हैं, टायर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। तो गाड़ी का एक बार बैक से हम इसका लुक चेकआउट कर लेते हैं और इसकी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। और गाइज ये देखिए टाइटेनियम की बैजिंग। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और इसकी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये है हमारे फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। गाड़ी की डिटेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो गाड़ी जो है हमारी 2017 मॉडल है, 65,000 किलोमीटर ये कंप्लीट कर चुकी है और गाड़ी जो है वो इसकी डिमांड है हमारी 6,75,000 रुपये। और गाइज ये गाड़ी हमारी डीजल में रहने वाली है और गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो आपको जून 2022 तक मिलता है, आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पे आइए, डील को क्रैक कीजिए और गाड़ी को ले जाइए। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइज अगली गाड़ी जो है हमारी मारुति की रेट्स रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो गाज़ियाबाद रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी का लुक आप देख ही सकते हैं, एक बार मैं इसका साइड प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। तो गाड़ी का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है। गाड़ी में आप देख सकते हैं अलॉय व्हील वगैरह सब दे रखा है और गाड़ी जो है हमारी टॉप मॉडल रहने वाली है, जैसा कि ZXI मॉडल है। ये बैजिंग आप देख ही सकते हैं और गाड़ी की कंडीशन। तो गाइज ये देखिए गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी की कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और गाइज ये देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। तो गाड़ी की डिटेल के बारे में बात करें तो गाड़ी जो है वो हमारी 2013 मॉडल है और ये पेट्रोल में रहने वाली है। गाड़ी की जो डिमांड है वो 3.25 लाख रुपए है, फर्स्ट पार्टी की रहने वाली है और गाड़ी जो है हमारी जुलाई 2022 तक इसका इंश्योरेंस है और गाड़ी जो है 62,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस इसमें आपके पास CNG का ऑप्शन भी खुल जाता है, आप इसमें लेने के बाद आफ्टर मार्केट CNG भी इंस्टॉल करा सकते हैं। और गाड़ी की कंडीशन जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आकर आप अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस अगली गाड़ी है हमारी स्कॉर्पियो। गाड़ी जो है वो काफ़ी डिमांड में रहती है, जैसा कि आप सबको पता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो UP 16 है, नोएडा का रजिस्टर्ड है और गाड़ी के टायर के लुक आप देख ही सकते हैं। गाड़ी के मॉडल की मैं बात करूँ तो S6 ये मॉडल रहने वाला है। गाड़ी का एक बार हम बैक से लुक इसका चेकआउट कर लेते हैं। तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से है।
तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसकी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस देख ही रहे होंगे गाड़ी का इंटीरियर जो है काफी क्लीन है, काफी साफ है गाड़ी। तो गाइस गाड़ी की डिटेल की मैं बात करूं तो गाड़ी जो है हमारी 2015 मॉडल है, S6 मॉडल रहने वाला है। ऑनरशिप की बात करूं तो फर्स्ट पार्टी रहने वाली है और गाड़ी जो है वो हमारी डिमांड है इसकी 8.5 लाख रुपए। प्राइस जो है वो नेगोशिएबल रहने वाला है। अगर आपको भी ये कार पसंद आती है यहाँ पे आके आप अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप हमारी दोनों गाड़ी जो है क्रेटा सेल के लिए अवेलेबल है। गाड़ी के जो है दोनों ही हमारी गाजियाबाद नंबर है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब गाड़ी जो है एक इसमें डीजल रहने वाली है, एक गाड़ी पेट्रोल रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो है हमारा गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आप देख ही सकते हैं। गाड़ी जो है ये वाली हमारी डीजल में अवेलेबल रहने वाली है। गाड़ी का आप टायर की लुक देख सकते हैं और ये हमारे साइड प्रोफाइल की लुक। तो गाड़ी का एक बार बैक लुक हम इसका चेकआउट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका भी आपको इंश्योरेंस 2022 तक मिलने वाला है, तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी ले सकते हैं और इसको सीधा रन पे लेके अपना जा सकते हैं। तो गाइज ये है हमारा गाड़ी का कुछ इस तरीके से लुक। और गाड़ी जो है दोनों ही हमारी S6 मॉडल हैं। ये है हमारे फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। गाड़ी जो है हमारी फर्स्ट पार्टी रहने वाली है, 63,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। गाड़ी की जो डिमांड है वो 8,60,000 रुपये है और प्राइस जो है वो नेगोशिएबल रहने वाला है। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ गाड़ी जो है वो हमारी फुली इंश्योर्ड है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्रेटा की तरफ। तो गाइस अगली गाड़ी जो है वो भी हमारी क्रेटा है, गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन इसका रहने वाला है, आप देख ही सकते हैं। और गाड़ी जो है वाइट कलर में है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी जो है वो रखी गई है। और ये भी आप देख सकते हैं इसमें भी अलॉय व्हील है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ दोनों जो मॉडल हैं वो S6 वेरिएंट हमारे रहने वाले हैं और डिफरेंस केवल पेट्रोल और डीजल का है, बाकी गाड़ी पूरी सेम है। ये गाड़ी से बाकी हमारी इसके लुक। गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँ तो गाड़ी का इंटीरियर जो है गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन इंटीरियर है गाड़ी का। और ये हमारे फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। तो गाइस गाड़ी की डिटेल के बारे में बात करूं, गाड़ी जो है हमारी 2015 रहने वाली है, पेट्रोल में ये वेरिएंट आपको मिलता है, फर्स्ट पार्टी ओनर है, ओनरशिप है, 64,000 किलोमीटर ये कंप्लीट कर चुकी है। और गाड़ी जो है 7,70,000 रुपये इसकी डिमांड है और वो भी नेगोशिएबल रहने वाला है। आप यहाँ पर आके आप अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस अगली गाड़ी जो है हमारी i20 रहने वाली है, गाजियाबाद इसका रजिस्ट्रेशन है जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। और गाड़ी जो है वो हमारी पेट्रोल में ये रहने वाली है, साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरीके से है। और गाड़ी में अलॉय व्हील भी दे रखे हैं। बैक लुक इसका एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और गाइस गाड़ी काफ़ी मिंट कंडीशन में, काफ़ी मतलब क्लीन कंडीशन में है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और उसकी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस ये है हमारे फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। गाड़ी की डिटेल के मैं बारे में बात करूँ तो गाड़ी का जो मॉडल है वो 2010 का ये मॉडल रहने वाला है। पेट्रोल में ये गाड़ी आपको मिलती है और सेकंड ओनरशिप इसका रहने वाला है। और गाड़ी की जो डिमांड है वो 2,20,000 रुपये है और गाड़ी जो है वो हमारी 66,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। प्राइस जो है वो नेगोशिएबल रहने वाला है, यहाँ पे आके आप अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। और गाड़ी जो है वो हमारी ये पेट्रोल में रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो गाइस आज की जो हमारी गाड़ी है लास्ट जो रहने वाली है टोयोटा एटियोस। टोयोटा की गाड़ियाँ आपको पता है कितना रिलायबल इसका इंजन होता है, कितनी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। और गाड़ी जो है हमारी ये गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन इसका रहने वाला है। अलॉय व्हील इसमें डायमंड कट इंस्टॉल है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी का इसका बैक लुक एक बार चेकआउट कर लेते हैं और इंटीरियर भी इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये बैक से कुछ इस तरीके से इसकी लुक दिखती है। तो गाइस कुछ इस तरीके से गाड़ी की हमें लुक दिखती है। तो गाड़ी की डिटेल के मैं बारे में बात करूं तो ये 2014 मॉडल है और ये डीजल में रहने वाला है। फर्स्ट पार्टी इसकी ओनरशिप है, 72,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। और गाड़ी की जो डिमांड है वो 3,85,000 रुपये है जो कि फुल्ली नेगोशिएबल है। यहाँ पे आके आप अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस आज की गाड़ियों का स्टॉक केवल इतना ही रखते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।